शब्दों के साथ धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर बी कुमार सर आए और हमें कुछ अपनी प्रेरणा स्रोत कुछ बातें बताएं। डियर स्टूडेंट्स एंड कलीग, आज सारा राष्ट्र राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। इस संबंध में आप सबों को, आप सब युवा समिति को हार्दिक अभिनंदन। आप राष्ट्र के निर्माता हैं। इस संबंध में विवेकानंद के संबंध में दो शब्द मैं कहूंगा, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। गुलाम भारत में ये बातें स्वामी विवेकानंद ने कही थी। विवेकानंद आम जनमानस के लिए मिसाल है। आज उनकी 161वीं जयंती है। यह विशेष दिन युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का थीम है संकल्प से सिद्धि, डिजिटल इंडिया के लिए युवा। इस बात को देश व राज्य में युवा सिद्ध भी कर रहे हैं। देश भर में चल रहे डिजिटल इंडिया की पहल से 4 लाख युवा जुड़ चुके हैं। धनबाद और बोकारो में से ऐसे कई युवा हैं जो भारत, सशक्त भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। ये अपने लक्ष्य के प्रति सजग और जागरूक हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार इन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये युवा शिक्षा, खेल, कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, साहित्य, कतिपय विद्याओं में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बेटियां भी इनसे कम नहीं है। 8 जनवरी को एक मीटिंग थी क्रिसमस की, जिसमें विकसित भारत @2047 में चर्चा किया गया। हमारे माननीय भाई चांसलर ने कहा पूरे देश में विकसित भारत @2047 चल रहा है, लेकिन दुख की बात है कि धनबाद जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। यहां से विद्यार्थी, युवा, शिक्षक कुल मिलाकर 108 रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा हर प्रिंसिपल अपने कॉलेज में जितना से जितना ज्यादा हो सके विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन करवाए। हमने आप सबों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और धनबाद को अव्वल जिला घोषित करें। हमने semester 1 और semester 3 के विद्यार्थियों में लिंक डाल दिया है, अपना अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाए और धनबाद जिला को अव्वल बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक बार युवा दिवस है। नासिक में प्रधानमंत्री इस वक्त लाइव है और युवा को संबोधित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इंडिया जो है एक सबसे बड़ी जमहूरियत, ठीक है, ये मल्टी कल्चरल इंडिया है, समझे। ये अमन दोस्ती, भाईचारे, अखबत, इतिहाद और सालमियत के इकतदार के लिए जाना जाता है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, चिश्ती, महात्मा गांधी, कबीर,
जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर पी आर बी आर अम्बेडकर, रविंद्र नाथ टैगोर, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, काजी नजरुल इस्लाम, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, असरत महानी, मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, जाकिर हुसैन वगैरह की ये जाए पैदाइश है। इन तमाम रोशन मीनारों ने अपने दौर और वक्त में अखुवत और भाईचारे का सबक दिया। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। विवेकानंद कहते थे, वेदांता चार योगा तजवीज करता है, कर्मयोगा बे लौह समल का रास्ता, बे जना योगा इल्म का रास्ता, रोजा योगा मरातबा का रास्ता और भक्ति योगा अकीदत का रास्ता। वो मजीद कहता है, सच्चाई एक और आफाकी है, इसे किसी मुल्क या नस्ल या फर्द तक महदूद नहीं किया जा सकता। दुनिया के तमाम मजाहब मुख्तलिफ जमानों और मुख्तलिफ तरीकों से एक ही सच्चाई का इजहार करते हैं। वेदांता वाइस पेज नंबर 17। हम 1893 ईस्वी में शिकागो में आर्मी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उनकी फिक्र अंगेज तकरीर को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मदद करो और न लड़ो, इत्तेहाद इस्तेहाला हो न के तबाही, हम आहंगी और अमन हो न के इख्तलाफ। यानी पेज नंबर 13 द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तालीम इंसान में पहले से मौजूद कमाल का मजहर है। तालीम क्या है? ये किताबी तालीम तालीम है नहीं। क्या ये मतनवो इल्म है? वो भी नहीं। वो तरबियत जिसके जरिए कुव्वत इरादी और इजहार को काबू में लाया जाए और नतीजा खेज हो जाए, उसे तालीम कहते हैं। अब गौर करें, क्या वो तालीम जिसके नतीजे में ख्वाहिशात को नस्लों से मुसलसल ताकत के जरिए दबाया जाता रहा है, अब खत्म होने के करीब है? क्या वो तालीम जिसके जरिए असर बनाए ख्यालात भी नए ख्यालात को दरकिनार एक एक करके गायब हो रहे हैं? क्या वो तालीम जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मशीन बना रही है, हकीकी तालीम का भी अभी तक हमारे दरमियान तसव्वुर नहीं किया जा सकता है? मैं कभी भी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करता, फिर भी उसे शोभा की तरक्की के तौर पर बयान किया जा सकता है, न कि अल्फाज के जमा होने के या लोगों के सही और मकसद तरीके से अपनी मर्जी के तरबियत के तौर पर। तालीम वो मालूमात की मकदार नहीं है जो आपके दिमाग में डाल दी जाए और वहाँ हंगामा बर्पा करे जो आपकी सारी जिंदगी हजम न हो। हमारे पास जिंदगी की तामीर, इंसान साजी, किरदार साजी, ख्यालात की आमेजिश होनी चाहिए। अगर आपने 5 ख्यालात को एक साथ मिलाकर अपनी जिंदगी और किरदार बना लिया है, तो आपके पास किसी भी आदमी से ज्यादा तालीम है जिसने दिल से एक पूरी लाइब्रेरी हासिल की है। अगर तालीम मालूमात के साथ यकसा होती है, तो लाइब्रेरियां दुनिया के अजीम तरीन बाबा और ऋषियों का इंसाइक्लोपीडिया होता है। ये स्वामी विवेकानंद के ख्याल थे जिसको हमने उर्दू में बयान किया है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बड़े पैमाने पर हम सब स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। आज के इस युवा महोत्सव में उपस्थित हुए डॉक्टर पुष्पा गणेश डीएसडब्ल्यू, हमारे उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष, हमारे एचओडी इकोनॉमिक्स के डॉक्टर बी कुमार, डॉक्टर मुनमुन शरण और एसएन पांडे जो मैनेजमेंट स्टडी से आए हुए हैं, सभी का इस विभाग में विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज चूंकि युवा दिवस है, अधिकतर युवकों को भी इसमें पार्टिसिपेशन करना है, हम लोग को कुछ समय दिया गया है केवल प्रोत्साहन कर देने के लिए। मेरा ये आग्रह होगा, क्योंकि आज विवेकानंद स्वामी जी का
एक शतवर वर्षगांठ है और इन्होंने अपने 39 वर्ष उम्र में ही स्वर्ण चिजार लिए थे, लेकिन इन्होंने जो भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में युवाओं के लिए शक्ति का प्रतीक थे और बराबर ये युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते थे। इसलिए आज चूंकि पूरा विश्व हेल्थ दिवस भी है, वर्ल्ड डे भी है, और ऐसे समय पर मेरा भारतवर्ष अभी युवाओं का देश है, सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या हमारे भारतवर्ष में है, इसीलिए ये संजोग बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक है कि हमारे बीच में जो इनका संदेश दिया गया है वो सभी संदेशों को विद्यार्थियों को युवाओं को मानना चाहिए और इनके द्वारा दिए गए अनेक सारे मूल मंत्र है, अगर हम उनको अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं को ये संयोग मिलेगा, अवसर मिलेगा कि वो पूरे विश्व में इसको जागृत कर सकते हैं और पूरे 2030 तक आने वाले वर्षों में जो आधुनिकीकरण पर इन्होंने चर्चा किया था, योजना दी थी, वो अभी फलस्वरूप हमारे विश्व में उजागर हुआ है। केवल अगर हम आईटी के क्षेत्र में या मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंस क्षेत्र में अगर युवाओं को हम थोड़ा बहुत प्रशिक्षण देके आगे बढ़ा सकेंगे तो आने वाले दिन में लगभग 50 लाख व्यक्तियों का नियुक्ति हमारे भारतवर्ष में होने वाला है। इसलिए इनके युवाओं के प्रति जो दिया गया संदेश है हम अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का हमें मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आए हुए सभी विद्यार्थीगण जो सर्वोपरि है हमारे लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माजी सर। ऐसे तो कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों ही है तो पहले सिर्फ तालियां बजाएंगे इकोनॉमिक्स के बच्चे। जितने लोग इकोनॉमिक्स विभाग के देखते हैं किसकी तालियों में कितना असर है। सबसे पहले पुष्पा मैडम, जो शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैडम के साथ मेरी जर्नी जब दरबार में दही से शुरू है और लगभग 13 साल से हम लोग काम किए हैं। पीके राय के बाद में नया यूनिवर्सिटी बना, मेरी बड़ी बहन है, उनके साथ लगातार हम लोग काम किए हैं और एक ऐसी स्थिति आई कि जब लगता था कि केवल दो आदमी हैं तो दो आदमी में कनेक्टल भी काम हम लोग किए हैं, एक प्योर का भी काम किए हैं, पढ़ाने का भी काम किए हैं और एक सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आज तक एक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का कि कभी भी एक भी क्लास मेजर नहीं किया, ये 13 साल का अचीवमेंट है। तो सबसे पहले पुष्पा मैडम अभी डी एच डब्ल्यू के पद पर है लेकिन उनका योगदान आज भी इकोनॉमिक्स के लिए हमसे ज़्यादा है। उसके बाद NSS के कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे बहुत अभिन्न मित्र अशोक मोहम्मद साहब काफ़ी दिनों से NSS के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ भी प्रोग्राम होता है पहले वो चौकआउट करते हैं, सबको बताते हैं और काफ़ी बढ़िया से मैच करते हैं। उसके बाद वीरेंद्र सर से पहले से हम लोगों का है संबंध है और लगातार मिलजुल करके काम किए हैं। माजी सर जो कि एक बड़े भाई के रूप में एक गार्जियन के रूप में साथ में हैं और जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल्स के रूप में काम किए
ठीक है, एक प्रगाढ़ जो संबंध है वो एक विकसित हुआ है, और एक छोटे भाई के रूप में सत्येंद्र पांडे इसको बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। एक मेहनती है, पूरा मैनेजमेंट आपका संभाला है, और साथ ही साथ ये ज्योति और मैनेजर थे मलिका, मलिका जितना हमको जानते हैं शायद कोई विद्यार्थी उतना नहीं जानता होगा, तो वो है सभी लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद और सभी लोगों का स्वागत। और साथ ही साथ मेरा भी जो जितने भी विद्यार्थी हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट स्टडीज के, उनको वेलकम करते हैं। और इस अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं विवेकानंद जयंती को, और इनका जन्म आपको पता है 1863 में हुआ था। और जैसे सर ने, माजी सर ने बताया कि उन्होंने काफ़ी कम समय में, मतलब 39 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जन्म लेना और एक लंबे समय तक रहना वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ा होता है कि आप जब पृथ्वी पर आते हैं तो समाज को क्या कहते हैं, राष्ट्र को क्या कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि आनंद मठ है, क्या है आपका, एक रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मठ है, इनकी स्थापना इन्होंने की थी अपने काल में। काफ़ी कम समय में मॉन्क का मतलब होता है भिक्षु, भिक्षु के रूप में इन्होंने अपनी जिंदगी जी, और इनकी ख्याति प्राप्त हुई जब अमेरिका में एक रिलीजियस काउंसिल था, तो रिलीजियस काउंसिल में इन्होंने डिलीवर किया था। और सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हिंदुइज्म क्या है, हिंदू की बात नहीं हम लोग बोल रहे हैं, हिंदुइज्म क्या है, और हिंदुइज्म को उन्होंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लाया कि हिंदुइज्म क्या है, और सभी को हिंदुइज्म से जोड़ा। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है। युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते जरूर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ युवा शक्ति है, युवा शक्ति के द्वारा ही अर्थव्यवस्था से लेकर के सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती है। भारत की सबसे बड़ी जो पहलू है, और वो पहलू ये है जो लगातार प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वर्ल्ड फोरम पे बोलते हैं कि भारत की युवा शक्ति, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था युवा शक्ति पर ही टिकी हुई है। और आज हम लोग जो डेमोग्राफिक स्टेटस है, उस डेमोग्राफिक स्टेटस में लगभग 65 to 67 मतलब कि 65 to 67% जो जनसंख्या है युवाओं की है, युवाओं का मतलब हो जाता है 18 वर्ष से लेकर के 35 साल। तो ये भारत की सबसे पहले शक्ति यही है कि 18 से 35 वर्ष के युवा हमारे यहाँ लगभग 65 to 67% हैं। उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके लिए रोजगार की अपूर्ण संभावनाएँ हैं, उसको तलाशना होगा, नेशन के विकास में काम करना होगा, ये एक प्रण लेना होगा, आज के दिन में प्रण लेना होगा सारे युवाओं को। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग युवा हैं तो युवा के साथ साथ एक सरकार के साथ काम करना होगा, चरित्रवान बनना होगा, समाज का निर्माण करना होगा और राष्ट्र के विकास के लिए काम करना होगा। मेरे हिसाब से अगर इस स्लोगन को आज हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग को जस्ट आपको मोटिवेट करना है। तो हमको इस ये क्वेश्चन देने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर है जो कम समय में सब चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।